क्लैश बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन क्लैश जब बुरा हो जाता है, जब एक मेकर दूसरी मूवी को दबाने के लिए स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर से डील करता है, मैनिपुलेशन करता है और दूसरी मूवी को फेयर गेम नहीं खेलने देता, जैसा कि ऋतिक के फादर राकेश रोशन के साथ हुआ था और ये पूरा मामला उनके पिता ने एक वीडियो के जरिए बताया है। एक्चुअली बहुत साल पहले एक बड़ा क्लैश हुआ था जिसे आप क्लैश ऑफ द टाइटन कह सकते हैं, बिकॉज राकेश रोशन ने कहा था मेरे पेट पर लात मारी जा रही है। उनके पेट पर किसने लात मारी थी इसकी बात भी आपको बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। एक्चुअली बात हो रही है करीब 2017 की, जहां पर राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक को लेकर एक मूवी बनाई थी, बहुत एक्सपेरिमेंटल मूवी थी, नाम था काबिल, जहां पर ऋतिक पहली बार अंधे ब्लाइंड बंदे का रोल प्ले कर रहे थे, जो कि सलमान खान की पुरानी रुकी हुई मूवी का नया संस्करण थी। बहरहाल मूवी को लेकर पब्लिक में एक्सपेक्टेशन का पारा हाई था, राकेश भी अपनी मूवी को सोलो रिलीज करना चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पर आ गई शाहरुख खान की मूवी रईस, जो कि 25 जनवरी 2017 को एक साथ रिलीज हुई थी। राकेश रोशन ने अपनी मूवी पहले अनाउंस की थी, डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी पहले की थी, लेकिन शाहरुख खान ने अपनी जुगलबंदी भिड़ाकर मूवी को काफी कम स्क्रीन में समेट दिया। राकेश रोशन ने बाकायदा वीडियो में कहा था कि आप भेदभाव मत कीजिए, अगर आप 25 स्क्रीन उनको दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं तो हमें भी उतनी ही दीजिए, उन्हें 60 देंगे हमें 50 देंगे ये बात गलत है, मैंने 50 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, मैंने 16 पिक्चर बनाई है, 16 की 16 सुपर हिट है, 5 ब्लॉकबस्टर हैं, मेरे जरिए भगवान ने कितने घरों को पाला है, रोशन किया है, अब जब मैं इस स्टेज पर आया हूं तो आप लोग मेरे पेट पर लात मार रहे हैं, ये बुरी बात है। ये पूरा स्टेटमेंट राकेश रोशन का है, वो भी शाहरुख खान के खिलाफ। एक्चुअली शाहरुख खान इससे पहले भी अजय देवगन की काफी फिल्मों को इसी तरीके से मैनिपुलेट कर चुके हैं, फिर चाहे वो शर्म ऑफ सरदार हो या फिर सिवाय हो, हालांकि अजय देवगन तो कोर्ट में पहुंच गए थे। बहरहाल राकेश आगे कहते हैं, मैं बस यही चाह रहा हूं कि किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, जो होना था वो हो गया, मैं आगे के लिए कह रहा हूं कि जो बड़ी दो फिल्में रिलीज होती हैं दोनों को बराबर स्क्रीन मिलनी चाहिए, लोग किस प्रेशर किस डर की वजह से ऐसा करते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं किसी को कम देते हैं, जाहिर सी बात है शाहरुख खान अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी फिल्मों को दबाते हैं, इसलिए शाहरुख सलमान की फिल्मों के साथ कोई बड़ी फिल्म नहीं आती। हालांकि दोनों के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो 32 करोड़ में बनी काबिल ने 134 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि 91 करोड़ में बनी रईस ने मात्र 137 करोड़ का कलेक्शन किया था। यही काम अजय देवगन ने भी अपनी फिल्मों के जरिए किया था, यानी बुरे का मुंह काला होता है, लेकिन फिर भी राकेश रोशन की मूवी सोलो तौर पर ज्यादा कमा सकती थी। अब शाहरुख खान के सामने वही स्थिति आई है, यानी कर्मा घूम कर आया है, द गुड कर्मा और बैड कर्मा कम्स अराउंड दैट गोज अराउंड, कर्मा वैसे ही बीच होता है, ऐसे में सालार जब आएगी तब डंकी को नुकसान होगा, बिकॉज साउथ में डंकी का मामला साफ हो जाएगा और नॉर्थ इंडिया में डंकी के साथ सालार बहुत तगड़ा कंपटीशन प्ले करेगी। कहा जा रहा है शाहरुख खान की डंकी 22 दिसंबर को आएगी और उसी वीकेंड में प्रभास की एक मूवी आएगी सालार, जो कि बहुत मोस्ट अवेटेड है, साथ में धनुष की कैप्टन मिलर भी आएगी और हो सकता है विजय सेतुपति की मूवी भी आ जाए, यानी एसआरके को अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा, जो दुख राकेश ने झेला अब एसआरके को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।